जाहिर गवार औरत 5-5 मिस कॉल है और तूने मुझे फोन नहीं दिया। अक्कल है कि नहीं तेरे में? 5 मिस कॉल। अच्छा अर्शद भाई क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो आप? वाट लग गई है मेरी राजन भाई, वाट लग गई है। आप एक्सरसाइज कर रहे थे ना तो बीच में कहा आपको टोकती इसलिए फोन नहीं दिया, और वैसे भी वो कोई मिस्टर लल्लू का फोन आ रहा था। लल्लू नहीं, मिस्टर लुल्ला, मिस्टर लुल्ला। राजेश भाई मिस्टर लुल्ला वो शेयर मार्केट किंग है, उन्होंने सामने से मुझे फोन किया, बोलो सामने से, और इसने जाहिल गवार औरत ने मिस्टर लुल्ला का फोन काट दिया तूने। सॉरी। अरे क्या सॉरी? देख अपने आप को देख, आलू की बोरी होती जा रही है, शरीर से भी और दिमाग से भी। हर्षद भाई प्लीज ऐसे मत चिल्लाइए, शांत हो जाइए आप। अरे क्या शांत हो जाओ राजेश भाई, हाँ क्या शांत हो जाओ? मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई है जो ये जाहिल गवार अनपढ़ औरत मेरे पल्ले पड़ गई है। अरे क्या करूं, क्यों फोन किया होगा मिस्टर लुल्ला ने? क्या तरीका रहा? हाँ ज्योति भाभी हर्षद भाई की बीवी है कि गुलाम? किस तरह से बात करते हैं वो उनसे? दिस इज सो ह्यूमिलिएटिंग। बेचारी ज्योति भाभी, आई मीन आई रियली फील सैड फॉर हर। कैसे सह लेती होगी ये सब? हर्षद भाई इसी तरह से बिहेव करते रहना तो देख लेना एक दिन बहुत भारी पड़ेगा उन्हें। नहीं तरुण भैया, 20 साल की शादी को बचाने के लिए बाकी की जिंदगी घुट-घुट के जीना बेवकूफी है। अब तलाक के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। तरुण भैया, जिस शादी में पति से इज्जत और ईमानदारी ना मिले उस शादी का क्या मतलब है? ऐसी शादी को टूट ही जाना चाहिए। तरुण भाई आपने ही शादी के कार्ड छपवाए थे ना, अब आपसे ही डिवोर्स पेपर मांग रही हूँ। भैया आप बस जल्द से जल्द डिवोर्स पेपर भेज दीजिए। मम्मी पापा डिवोर्स ले रहे हैं। विद्युत रो मत। दीदी अगर हमारे मम्मी पापा का डिवोर्स होगा तो हम दोनों भी अलग हो जाएंगे ना। मैंने फिल्मों में देखा है जब 2 बच्चे होते हैं तो एक मम्मी के पास जाता है और दूसरा पापा के पास। इन दैट केस तू पापा के पास जाना, मैं मम्मी के पास जाऊंगी, ठीक है? विद्युत ब्रो, ब्रो ये देख तेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी के लिए मैं कितना कुछ लाया हूँ। तेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी हम जोरदार से सेलिब्रेट करें। ये देख क्या हुआ, तुम दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो और रो क्यों रहे हो? तुम दोनों ये लोग रो रहे हैं क्या? वो ब्रो रो क्यों रहा है? ब्रो ब्रो हमारे मम्मी पापा का डिवोर्स होने वाला है। क्या क्या डिवोर्स? यस ब्रो, प्लीज कुछ भी करके हमारे मम्मी पापा का डिवोर्स रुकवा दो प्लीज प्लीज। सखी दीदी मुझे लगता है हमें अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए क्योंकि वो दो ही है जो इनके पेरेंट्स का डिवोर्स रुकवा सकते हैं। अगर नहीं रुकवा पाए तो नेगेटिव मत सोच। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। What? ज्योति भाभी डिवोर्स लेना चाहती है? That's not possible. इसमें impossible क्या है राज? तुमने आज सुबह देखा नहीं हर्षद भाई ने कितनी बदतमीजी से बात की ज्योति भाभी से, वो भी सबके सामने। हाँ मैं मानता हूँ हर्षद भाई ने जो किया वो गलत किया, इनफैक्ट बहुत ही गलत किया, पर इस एक इंसिडेंट की वजह से। एक इंसिडेंट नहीं है राज, हम सालों से देख रहे हैं कि हर्षद भाई ज्योति भाभी को बात बात में इंसल्ट करते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं। I'm sure कि ज्योति भाभी ने ना ये फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर पता नहीं कब से दबाया होगा, उसका ज्वालामुखी अब जाकर उबल रहा है। अंकल प्लीज कुछ करो ना। हाँ विद्युत तुम टेंशन मत लो, हम समझाएंगे तुम्हारे पेरेंट्स को। बैठ जाओ तुम लोग, सिट डाउन। विद्युत, ये तरुण अंकल कौन है? वो मेरे जयपुर वाले मामा है, प्रोफेशन से डिवोर्स लॉयर है। और ज्योति भाभी ने क्या कहा उनसे? मम्मी ने कहा था कि जिस शादी में पति से इज्जत और ईमानदारी ना मिले उस शादी का क्या मतलब है, ऐसी शादी को टूट ही जाना चाहिए। ईमानदारी ना मिले? ओ राजेश भाई, एक मार्केट में नया शेयर आया, देखो। अरे नहीं, मैं कहाँ इन्वेस्ट करता हूँ? शायरी सुनो, मेरे घर के सामने आप ही की बारात चाहिए। हाँ नहीं समझे, मेरे घर के सामने आप ही की बारात चाहिए, अभी समझे? एक नहीं, सातों जन्म आप ही का साथ चाहिए। वाह वाह वाह, कमाल इमोशंस है इसमें। मान गए ज्योति भाभी को। ओ राजेश भाई, ये ज्योति ने नहीं भेजा है? हाँ ये रूपती ने भेजा है। वो अकाउंट चालू है आपका? हाँ। क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, ज्योति भाभी इतना प्यार करती है आपसे और आप ये सब। अरे राजेश भाई, छोटी मोटी फ्लर्टिंग चलती रहती है, टाइम पास। ये छोटी मोटी फ्लर्टिंग ना कानूनी भाषा में इसी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? एक्स्ट्रा फन, ऐसा समझ लो आप। अर्शद भाई, ये आदतें आप बदल लो, बुरे फंसोगे आप। अरे क्या राजेश भाई, आप भी क्या बोल रहे हो? कहीं आपकी कई बात सच हो गई तो मेरी तो बैंड बच जाएगी। कहीं तृप्ति का भेजा हुआ मैसेज ज्योति भाभी ने तो नहीं देख लिया? अरे हाँ, आज सुबह जब वो दोनों झगड़ रहे थे तब हर्षद भाई का फोन ज्योति भाभी के पास ही तो था। लगता है ज्योति भाभी को हर्षद भाई के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चल गया। क्या हुआ अंकल, आप क्या सोच रहे हो? देखो बच्चों, ये मामला ना बहुत सेंसिटिव है, तो मैं और वंदना आंटी इसे अपने लेवल पर हैंडल करेंगे। हाँ राइट। देखो सखी, गुनगुन, तुम दोनों बड़े हो चुके हो, समझदार हो, लेकिन इस मामले में तुम दोनों ज्योति भाभी से कोई बात नहीं करोगे, ओके? पता नहीं वो कितना एम्बैरेस्ड फील कर रही होंगी, सो मैं अपने तरीके से ना घुमा फिरा के उनसे बात करूंगी, ओके? हाँ ओके। वंदु, हाँ मैं हर्षद भाई से बात करता हूँ, तुम ज्योति भाभी से बात करो। हाँ राज, गॉड मेरा तो मतलब बहुत टेंशन हो रही है ज्योति भाभी की, हम सोच भी नहीं सकते कि कितनी दुखी होंगी वो। हर्षद, परसों हमारी शादी की 20वीं सालगिरह है, तब ना मैं इस गाने पे डांस करके आपको आइस पाइस दूंगी। हाँ? हमारे हर्षद कुमार, आई लव यू, हमारे जीवन साथी, हमारे नैनो रे भरथार। हाँ शगुन, बोलो। शगुन, तुम रो क्यों रही हो? उस जल्लाद ने फिर से हाथ उठाया तुम पर। देखो देखो, तुम चिंता मत करो। हाँ मैंने तरुण भैया से बात कर ली है, वो जल्द से जल्द ना तुम्हारे डिवोर्स पेपर यहाँ कुरियर करके भेज देंगे। हाँ कुछ भी हो जाए, हम जल्द से जल्द तुम्हारा डिवोर्स करवा के रहेंगे। हाँ हाँ ठीक है, तुम बाद में बात करो, लेकिन अपना ख्याल रखना और चिंता मत करना। हेलो, हर्षद भाई को उनकी लाइफ का सबसे बड़ा झटका लगेगा जब उन्हें पता चलेगा ज्योति भाभी उन्हें डिवोर्स दे रही है। क्या करूं, कैसे बताऊं? मैं मिलने के लिए बुलाता। तृप्ति, अभी मैं क्या बताऊं मेरे दिल में क्या है। कौन सी पिक्चर देखनी है? पिक्चर भी दिखाऊंगा और किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना भी खिलाऊंगा। अरे बहुत मजा। तृप्ति सुन ना, वो पीछे ना राजेश भाई का फोन आ रहा है, तो कुछ अर्जेंट काम होगा। हाँ करता हूँ ना, बाद में करता हूँ फोन तुझे। Okay. Bye. हाँ बोलो राजेश भाई, क्या कुछ अर्जेंट काम था क्या? अरे अर्जेंट ही सुपर अर्जेंट है, कब से ट्राई कर रहा हूँ। आप दूसरे कॉल पर बिजी हो। ओ जरा तृप्ति का फोन चालू था। तृप्ति से बात कर रहे हैं आप? अरे सुधर जाइए प्लीज हर्षद भाई, आपको पता नहीं है आप बारूद के ढेर पर बैठकर ना फुलझड़ी जला रहे हो। ये मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगा, कुछ जरूरी बताना है आपको। अरे तो बताइए ना। नहीं यहाँ फोन पर नहीं बता सकता। ऐसा कौन सा टॉप सीक्रेट बताने जा रहे हैं आप? टॉप सीक्रेट ही ब्रेकिंग न्यूज है। आप अब जल्दी गार्डन में मिलिए मुझे। हाँ आता आता। ऐसी कौन सी ब्रेकिंग न्यूज राजेश भाई बताने वाले? वंदना भाभी आई है, बैठिए। तो बताइए क्या पियेंगी आप, चाय या कॉफी? नहीं नहीं कुछ नहीं। हाँ ज्योति भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहिए ना। वो आज गार्डन में हर्षद भाई ने जिस तरह से आपसे बात की ना, जिस तरह से आपको डांटा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उनको आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आदत है उनकी और उनकी इस आदत की मुझे आदत हो गई है। बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम दोनों को, इतनी बार समझाया है पर तुम लोगों की मनमानी जाती ही नहीं है। एक नंबर के कामचोर हो गए हो तुम दोनों। धूप मिट्टी पानी की खुराक तो बराबर लेते हो, फिर भी फूल इतने कम क्यों देते हो? वाह कान खोल के सुन लो तुम दोनों, कल से मुझे 4 फूल डेली चाहिए, समझे? और हाँ आज से तुम लोगों का वाटर इनटेक भी कम करूंगा मैं। 20 ml पानी रोज मिलेगा तुम्हें, 10 ml अभी, 10 ml शाम को। अब अक्ल ठिकाने आएगी। राजेश भाई अरे ऐसी कौन सी बात है जिसे बताने के लिए आप इतना सस्पेंस बना रहे? क्या हुआ बोलो ना। अब मैं जो आपसे कहने जा रहा हूँ वो सुनकर प्लीज आप चिल्लाना मत ना, और गुस्से मत होना, पैनिक बिल्कुल मत करना। मैं कभी नहीं कभी हुआ हूँ। क्या है, शादी के 20 साल बाद डिवोर्स की बात सुनकर अजीब लगेगा इसीलिए। अब 20 साल के बाद डिवोर्स ले रहे? परम पूजनीय वंदना भाभी को डिवोर्स? नो 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 नो, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और जल्दी करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। देखो ज्योति भाभी डिवोर्स की बात ही नहीं निकाल रही है, मैं ही इनडायरेक्टली डिवोर्स की बात छेड़ देती हूँ। क्या सोच रही हैं आप, बोलिए। वो मुझे आपसे कुछ शेयर करना था ज्योति भाभी। हाँ करिए। मेरी एक दोस्त है, हाँ उसकी शादी को 10 साल हो गए। ओहो, और वो अब डिवोर्स ले रही है, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए ना। क्यों नहीं करना चाहिए? जिस तरह एक इंसान मर के फिर जिंदा नहीं हो सकता, उसी तरह अगर एक शादी मर जाती है ना तो डिवोर्स ही आखिरी रास्ता बचता है। फिर क्या फर्क पड़ता है शादी को 10 साल हुए हैं या 20 साल। मेरी एक कजिन बहन है शगुन, अभी उसकी शादी को 20 साल हो रहे हैं और वो डिवोर्स ले रही है। डिवोर्स ले रही है? एक मिनट प्लीज, मन मजबूत कीजिए और सुनिए। हाँ? मैं वंदना को नहीं, ज्योति भाभी आपको डिवोर्स दे रही है। क्या ज्योति जाहिल ज्योति मुझे डिवोर्स दे रही है? उसकी इतनी हिम्मत कि मुझे डिवोर्स दे? मुझे? आपको ही देगी ना, पड़ोसी को देगी। आप ही हो ना पति। ये आपके इसी रवैये की वजह से ये सारी नौबत हुई है। नहीं, पत्नी संगी नहीं होती है, सर्वेंट नहीं होती, लेकिन आपने हमेशा ज्योति भाभी को सर्वेंट की तरह ट्रीट किया। एक बात बताइए हर्षद भाई, कल रात को लिफ्ट में आपने मुझे एक शायरी सुनाई थी जो तृप्ति ने आपको भेजी थी। हाँ। वो मैसेज डिलीट किया ना आपने? नहीं, उसमें क्या डिलीट करना है, ये क्या इधर है मैं ये रहा। गई भैंस पानी में। क्यों? मेरा शक सही निकला। क्यों हो गया? आज सुबह जब वो मिस्टर लुल्ला का फोन आ रहा था आपको, तब आपका फोन ज्योति भाभी के हाथ में था। हाँ तो हो सकता है ज्योति भाभी ने तृप्ति का मैसेज पढ़ लिया हो। अरे बाप रे, ओ राजेश भाई, कहीं मेरे एक्स्ट्रा फोन को ज्योति ने मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं समझ लिया हो? सिर्फ ज्योति भाभी नहीं, पुलिस और कोर्ट भी इसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही समझेगी। ओ राजेश भाई शुभ शुभ बोलो ना, आप कहाँ पुलिस और कोर्ट तक पहुँच गए? लेकिन आपको ये बात कैसे पता चली? ज्योति ने वंदना भाभी को तो आपके बच्चों ने बताई है। बच्चों ने? लेकिन बच्चों को किसने बताया? गुनगुन और विद्युत ने ज्योति भाभी को अपने किसी तरुण नाम के भाई से बात करते हुए सुना। तरुण? हाँ। अरे तरुण संघवी, वो ज्योति का जयपुर वाला कजिन। हाँ। मैं भी उसको फोन लगाता हूँ। तरुण कहाँ? राजेश भाई वो पेशे से डिवोर्स लॉयर है। हाँ? ज्योति को अपनी सगी बहन से भी ज्यादा मानता है वो। काट दिया? मैसेज आया, कोर्ट में हूँ, वापस फोन। नहीं नहीं नहीं, फायदा नहीं है। एक काम कीजिए, मैसेज भेजिए तरुण को कि ज्योति से डिवोर्स प्रोसेस के बारे में तुम्हारी कुछ बात हुई थी। बात हुई थी? मैं कितना बड़ा झालर हूँ राजेश भाई, ये तृप्ति का मैसेज डिलीट करना भूल गया मैं। आ गया मैसेज, आ गया। कहता है कि हाँ मैंने डिवोर्स प्रोसेस के बारे में बहन को बता दिया है और डिवोर्स के पेपर भी कुरियर कर दिए। डिवोर्स के पेपर भी कुरियर कर दिए? राजेश भाई अब क्या होगा? कहीं ये तृप्ति वाली बात ज्योति के सातों भाइयों को पता चल गई तो ये सब लोग मिलके मेरी तो बहन बजा देंगे। नहीं 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 नहीं। अच्छा चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कहीं मेरे मायके पक्ष और ससुराल पक्ष में ये बात फैल गई तो राजेश भाई सब लोग मिलके मेरी बहन बजा देंगे। राजेश भाई मेरी कुछ करो राजेश भाई, बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। कुछ सोचते सोचते सोचते। अरे क्या सोचते हैं? ये गुड़िया आपको देकर मैं ये आशा करती हूँ कि जल्दी से आपको भी उम्मीद की किरण मिले, और जो बच्चा आपके लिए बना है ना वो बहुत जल्द आप तक पहुँचता है। क्या हम परी को अडॉप्ट नहीं कर सकते? क्यों नहीं यार, Your wish, my command. यामिनी भाभी, किट्टू की यादों को R फॉर रिवाइंड करके P फॉर प्ले कर रही हो ना मन में? तुम्हें कैसे पता चला? मेरे को पता चला, ये आपके चेहरे पर ममता भरी मुस्कान है ना, उससे मेरे को पता चला। यामिनी भाभी देखो ना आशा, किट्टू को जाके अभी बस एक ही दिन हुआ है, पर ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे कई दिनों से मिस कर रही हूँ। अब तो बस यही मन कर रहा है कि जल्द से जल्द किट्टू मेरे पास आ जाए। आएगी यामिनी भाभी, किट्टू दौड़ते दौड़ते भागते भागते आपके पास आएगी, मैं बोल रही हूँ आपको। जरूर आएगी किट्टू। यम गजब हो गया, यम गजब हो गया। वो नामुराद राजेश पागले और परम पूज्य वंदना भाभी डिवोर्स ले रहे हैं। क्या वंदना बहन और राजेश भाई का डिवोर्स? हाँ यम, हाँ। मटर छिलो और कलिंगड़ निकले ऐसा कोई प्रयास नहीं होता। वंदना बहन और राजेश भाई का डिवोर्स, विश्वास नहीं होता, विश्वास नहीं होता। और नहीं तो क्या, ओ देखो साहब आपका ये यम फॉर मजाक ना मेरे को पसंद नहीं आया। हाँ। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आशा, अब तुम दोनों को कैसे यकीन दिलाऊं? ओके, मुझे मेरी यम की शायरी की कसम, मुझे मेरी यम के घुंघराले बालों की कसम, मुझे तेरी अंग्रेजी की कसम, मुझे कसम है कि बस बस दकू, इतनी भी कसमें मत खाओ कि लंच के लिए जगह ना बचे। हम दोनों को यकीन हो गया है कि तुम सच कह रहे हो। देवा अब क्या होगा? पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे राजेश भाऊ और वंदना बहनी को। oh my God. मैं जाकर ये बात मावशी और काका को बोलती हूँ, अब वही दोनों रोक सकते हैं राजेश भाऊ और वंदना मैनी के डी फॉर डिवोर्स को। All the best, all the best. अब देखो, मैं जाके वंदना बहन से मिलती हूँ और उन्हें समझाती हूँ। Yes, all the best, all the best. अब मैं क्या करूँ, कैसे रोकूँ ये डिवोर्स, कैसे? आइडिया, आइडिया मिल गया, राजेश भाई का ऑफिस। मैं राजेश भाई के ऑफिस वालों के थ्रू उन पे प्रेशर डालूंगा कि वो डिवोर्स ना ले। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.